इस परमात्मा में अपनी आत्मा को मिला दिए, अनंत में अंत को मिला दो। अनंत मतलब परमात्मा, अंत मने मनुष्य का अंत होना हम सबका आत्मा। अपने अंत को, अपने आखिरी समय को उस परमात्मा मतलब उस अनंत में मिला दोगे तो क्या होगा? हमारा कल्याण हो जाएगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान वहां से पिता माँ का संस्कार करवाए और प्रभु अपने द्वारिका चले गए। भगवान जाकर के द्वारिका में माता पिता और सबसे मिले। पहले जाकर भगवान ने क्या किया? माता पिता के चरणों में प्रणाम किए। माता शत्रु पिता वैरी इन बालों न पढ़िता। शास्त्रों में लिखा है वो माता पिता बहुत अच्छे नहीं होते जो बेटों को केवल पैसे दे देते हैं। संपत्ति, संपत्ति दीजिए पर संस्कार भी दीजिए। जिसने अपने बच्चों को संस्कार दे दिया, पढ़ाई दे दी, विद्या दे दी और सबसे बड़ी संस्कार दे दिए, समझिए उसका बेटा क्या होगा, उसका संतान क्या होगा, आगे चला जाएगा। संपत्ति का नाश तो हो सकता है ना। आज कोई बहुत बड़ा आदमी है करोड़पति, कल गरीब हो सकता है। जो कल गरीब थे वो आज अमीर हो गए, जो आज अमीर है कल गरीब भी हो सकते हैं ना। पर किसी को आप संस्कार दे दो, पढ़ाई करा दो, विद्या दे दो तो वो विद्याधनम सर्वधनम प्रधान। सबसे बड़ा धन क्या है? विद्या है, संस्कार है। तो भगवान कह रहे हैं माता पिता के चरणों में प्रणाम किए, भाइयों से मिले, परिवार से मिले, मित्रों से मिले और प्रभु वहीं पर वास कर रहे हैं। अर्जुन भी भगवान के साथ चले गए और जिस बालक को भगवान ने गर्भ में बचाया था आज वही श्री परीक्षित जी पुत्रा के गर्भ से जन्म ले लिए। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। सब लोग आए, आशीर्वाद दिए, देवताओं ने आशीर्वाद दिया, ऋषियों ने, संतों ने आशीर्वाद दिया, ब्राह्मणों ने नाम रख दिया परीक्षित। जन्म कुंडली बनाई गई। बोले महाराज सब तो बढ़िया है, एक गलती हो जाएगी, एक गलती हो जाएगी, ब्राह्मणों का अपमान होगा, श्राप लग जाएगा, पर भगवान सब मंगल करेंगे। और अर्जुन फिर चले गए। अर्जुन के देखते देखते भगवान के सारे यदुवंशी आपस में लड़के मारे गए और भगवान भी अपने स्वधाम को चले गए। अर्जुन आज बहुत दिन बाद जब वापस आए हस्तिनापुर तो आंखों में आंसू है, चेहरा निस्तेज हो गया है। दृष्टि बोले भैया बहुत दिन बाद आए हो, क्या बात है, बहुत दिन बाद आए, कहाँ थे, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है, आंखों में आंसू क्यों है? तो क्या बोले अर्जुन? वंचित हम महाराजा हरि राम बंधुरूपिणः एनमे प्रहतम देव देवमस्मावयं चया। अरे मेरे बड़े भैया धर्मराज जी, जिन भगवान कृष्ण के बिना हम एक मिनट भी रह सके नहीं, वही परमात्मा, वही भगवान हम सबको छोड़कर अपने धराधाम वैकुंठ चले गए। जैसे ही कुंती मैया ने सुना भगवान चले गए तो कृष्ण कृष्ण कही कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कही कृष्ण, कृष्ण कृष्ण बोली और प्राण निकल गए। संसार के लिए, दुनिया के लिए हमारे प्राण निकल जाते हैं पर वो सौभाग्यशाली है, वो भाग्यवान है जो भगवान का नाम लेते लेते जिनके प्राण निकल जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नाही। वो स्वामी जी कहते हैं व्यक्ति कितना भी राम का नाम ले, कितना भी धर्म करे, अंतिम समय पर भगवान का नाम आ जाए, भगवान की याद आ जाए, गौ दान हो जाए, स्वर्ण दान हो जाए, अन्न दान हो जाए, जल दान हो जाए तो कहते बहुत मिलता है। जो दे देंगे अंतिम समय पर ना, जीवन भर दिए वो ठीक है पर आखिरी समय मृत्यु के एक महीना पहले, एक हफ्ते पहले, एक घंटे पहले कोई दान हो जाए स्वयं के हाथों से, स्वयं के धन से, तो कहते हैं कल्याण हो जाएगा। सुनियो सोची कहते ऋषियों, कुंती मैया चली गई, सारे पांडव बोले जब भगवान ही चले गए तो हमें जाना पड़ेगा। सब पांडव तुरंत स्वर्ग की यात्रा में चले गए। बोले स्वर्ग जाएंगे, यहाँ से दुनिया छोड़ देंगे। छोटे से परीक्षित को तिलक कर दिए। बोले बेटे जाओ, राज्य गति का उपयोग करना, धर्म की रक्षा करना, हमेशा धार्मिक बनकर
कर देना। छोटे से परीक्षित को गद्दी दे दिए और सारे पांडव चले गए और जाकर के अपने अपने स्थान पे वो स्वर्ग में जाकर वास किए। जय जय श्री राम। अब परीक्षित बड़े हो गए, विवाह हो गया, पत्नी का नाम है इंद्रावती, चार बेटे हो गए। जब 50 साल के हो गए तो क्या किए, राज्य पाठ में गृहस्थी में ध्यान देना कम करके क्या करते हैं। 50 साल के बाद क्या रख जाता है, 51, 52, 53। 50 साल के हो जाइए तो आधा समय भगवान को दीजिए, आधा समय सेवा में दीजिए, आधा समय जो है अपने जीवन का क्या करिए, सेवा करिए। दुकान छोड़ दीजिए, दुकान तो चली ही जाएगी, ज्यादा चिंता मत करिए हमारे बाद दुकान का क्या होगा, मकान का क्या होगा, भूमि का क्या होगा, बैंक के लॉकर में जो सोना है उसका क्या होगा, वो तो जो है वो रहेगा। आप अपना कल्याण कर लीजिए, जितना आप देंगे दे दिए ठीक है, क्या लेकर आए थे हम क्या लेकर जाएंगे। 51 के बाद क्या करिए, समय दीजिए परमात्मा के चरणों में, आश्रम में जाइए, ऋषि आश्रम में जाइए, सेवा करिए, वृंदावन में रहिए, कुछ नहीं करिए तो कम से कम घर में ही रहकर राम नाम का जप करिए। चाबी दे दीजिए बेटे को और घर की चाबी दे दीजिए बहू को और आराम से राधे 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 जपिए, टेंशन फ्री होकर। भागवत जी मैंने कहा बोल रहा हूँ मैं। अब परीक्षित क्या करते हैं, आश्रम में जाते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, अनाज पहुंचा देते हैं, संतों के पैर दबाते हैं भेष बदल कर, क्योंकि वैसे जाएंगे तो साधु मना करके, महाराज आप हमारे पैर में छुआ, आप राजा हो, आप हमारे पैर क्यों दबाते हो। तो साधु के यहाँ जाते हैं, साधु बनकर चेला बनकर पैर दबाते हैं, अनाज सोना चांदी सब्जी सब कुछ देते हैं आश्रमों में। नियम है कि आप आश्रम चलाएंगे, समाज सेवा कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही परीक्षित महाराज जा रहे थे बन की ओर, आज एक विचित्र मुकुट पहने, खजाने से मुकुट निकाले और जैसे ही कुछ आगे गए तो एक गाय और एक बैल मिल गए। गाय मतलब पृथ्वी माता और बैल मतलब धर्म। धर्म कौन है, धर्म का जो स्वरूप है ना, भगवान शंकर की जो सवारी है नंदी, वही धर्म है। धर्म के चार चरण होते हैं, सत्य दान तपः शौचम्, सत्य दान दया और तपस्या। पर कलयुग के प्रभाव से तीन पैर कर गए हैं और कलयुग जो है तलवार लेकर चौथा पैर काट रहा है। पृथ्वी माता बहुत रोती है, कहती है धर्म आपके पैर किसने काट दिए, तो धर्म कहते भैया आप चिंता मत करो, मेरे कर्म ही ऐसे होंगे जिससे मेरे पैर कट गए। तो पृथ्वी माता रोती है और वो समझ कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, जो जस करहि सतस फल चाहा, जो जैसा करेगा उसको अपना फल स्वयं अकेले भोगना पड़ेगा। जो हम करेंगे, आप करेंगे, हम करेंगे, जो भी जो करेगा उसका फल स्वतः भोगना पड़ेगा। अच्छा काम करेंगे तो बढ़िया होगा और बुरा काम करेंगे तो उसका भी फल भोगना पड़ेगा। नन्नी कहते हैं, बैल कहते हैं, धर्म कहते हैं कि मेरे पैर कट गए मुझे कोई बात नहीं, पर कलयुग की वजह से मेरे पैर कट गए, कलयुग मेरे चौथे पैर को काट रहा है। परीक्षित पहुंच गए, परीक्षित जी ने धनुष बाण उठाया और कलयुग को मारने दौड़े। कलयुग बोला महाराज त्राही माम त्राही माम त्राही माम, मुझे क्यों मारते हो महाराज, मेरा युग है, अब भगवान कृष्ण चले गए हैं इसलिए मैं आ गया हूँ, मुझे मार भी दोगे तो क्या होगा महाराज, मेरा तो युग है, मुझे कुछ जगह दे दो। तो चार जगह परीक्षित ने कलयुग को दे दी, दियोतम पान स्त्रिय समुरा यज्ञरा धर्म चतुर हीरा। दियोतम पान स्त्रिय समुरा, जय जय श्री राम। दियोतम वाले होते हैं जुआ खेला, जहां जुआ खेला जाता है, जहाँ जहाँ खिलवाया जाता है, जो जीए पैसे जीतते हैं, जो हार भी जाते हैं, वहाँ पर कलयुग का वास है। दियोतम पानम, जहाँ शराब बनाई जाती है, जहाँ शराब बेची जाती है, जो शराब पीते हैं, जो शराब पिलाते हैं।